दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम विद्युत के एवं चुंबकत्व में विद्युत प्रतिबिंब विधि क्या है इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिकल इमेज मेथड और विद्युत प्रतिबिंब विधि। तो सबसे पहले विद्युत प्रतिबिंब विधि। अब विद्युत प्रतिबिंब विधि क्या है? यह विधि बिना किसी अवकल समीकरण को हल किए किसी स्थिर विद्युत समस्या को हल करने में उपयोग में लाई जाती है। तो वास्तव में यदि हम किसी स्थिर विद्युत समस्या को हल करें तो हमें अवकल समीकरण को हल करना होगा, परंतु यदि हम विद्युत प्रतिबिंब विधि का उपयोग करें तो बिना किसी अवकल समीकरण को हल किए हम स्थिर विद्युत समस्या का हल ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई बिंदु आवेश या बिंदु आवेशों का समूह जो किसी चालक सतह के एक ओर स्थित हो वह चालक सतह के दूसरी ओर उतना ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे जो मूल आवेश ने पहली ओर उत्पन्न किया था, तो यह बिंदु काल्पनिक बिंदु आवेश मूल आवेश का विद्युत प्रतिबिंब कहलाता है। अब विद्युत प्रतिबिंब विधि के लिए आवश्यक शर्त क्या होंगी? पहली शर्त है चालक का विभव समान रहना चाहिए। दूसरा है अनंत दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान समान रहना चाहिए। तो बिंदु चाहे कितनी ही दूरी पर हो विभव का मान सदैव समान रहना चाहिए। तीसरी शर्त है वास्तविक क्षेत्र में किसी बंद सतह के परितः विद्युत फ्लक्स समान रहना चाहिए। तो ये तीन आवश्यक शर्त हैं। तो यहां पर हम आज का हमारा अध्याय समाप्त करते हैं। यहां पर हमने विद्युत प्रतिबिंब विधि क्या है बारे में चर्चा की है। सो गुड बाय।